रनिंग करने के बाद कौन सी एक्सरसाइज करें जो आपकी रनिंग में जान डाल देगा, ठीक है। रनिंग के बाद अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपकी रनिंग में 20% इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आप पूरा 100% दे रहे हो तो आपका 20% और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। रनिंग करने के बाद ये एक्सरसाइज लोग नहीं करते, सिर्फ स्ट्रेचिंग और कूल डाउन रिलैक्सेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ध्यान दो, पर उससे पहले भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज करो जो आपको इम्प्रूवमेंट देगी, और वही एक्सरसाइज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने ये सारी एक्सरसाइज फॉलो करी तो आपकी रनिंग में काफी ज्यादा जान आ जाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रनिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपकी थाई लेग्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करना, ठीक है। यही हमारी रनिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर हमारे हाथ पैर हाथ आते हैं और फिर हमारी अपर बॉडी आती है, ठीक है। सबसे पहले हमारी लोअर बॉडी होती है और इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज क्या है, हमारी नॉर्मल जंपिंग, ठीक है। नॉर्मल जंपिंग आपको कम से कम 1-1.5 मिनट तक करनी है, ठीक है। तो कैसे करना, आपको इस तरीके से करना है। लोग क्या करते हैं, या तो ज्यादा बैंड में एक्सरसाइज करते हैं या बिल्कुल स्ट्रेट पे, बिल्कुल गलत तरीका। आपको सिंपली क्या करना है, नॉर्मली आपको इस तरीके से जंप करना है, ठीक है। कुछ नहीं, या तो आप हैंड इस तरीके से रख सकते हो बिल्कुल डाउन पूरा मूवमेंट में, या आप इस तरीके से रखते हो ऐसे मूवमेंट करते, जैसे भी आपको सही लगे। तो अब दूसरी एक्सरसाइज हमारी क्या है, हमारी इसी में ही है, आपको सिंपली ये वाली नॉर्मली जंप करनी है। लोग क्या कहते हैं, मेरी स्टेपिंग नहीं खुल रही है, तो आपके वर्कआउट के अंदर स्टेपिंग नहीं खुलती। लोग कहते हैं भाई रेपिटेशन मारो, वो मारो। रेपिटेशन में सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ बनती है, पावर आती है, स्पीड आती है, पर लेकिन आपकी स्टेपिंग नहीं बनती, ठीक है। स्टेपिंग से हमेशा एक्सरसाइज से बनेगी, एक्सरसाइज होगी और जितने भी आपकी ड्रिल्स होगी उनसे। तो अगर स्टेपिंग नहीं है तो ड्रिल्स करना स्टार्ट कर दो। तो ये वाली एक्सरसाइज जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी स्टेपिंग है तो आप इसमें टाइम बढ़ा दो अपना 2-3 मिनट, और आपकी स्टेपिंग है तो नॉर्मली 1-1.5 मिनट तक करो, ठीक है। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज, लेग में पावर कहाँ से आएगी, आपकी काफ से और ये थाई में, ठीक है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जो हमारे आर्मी वाले बच्चे होते हैं वो एक्सरसाइज लगभग करते हैं पर बहुत नहीं करते। तो कौन कौन सी हमारी एक्सरसाइज है, सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज आपकी बॉडी को डाउन करके पूरा इस तरीके से मोशन करना, जो आपके लेग स्टेप ओपन करने में फायदा देगी। पर लेकिन इसमें भी बहुत सारी गलतियां, सीधा ऐसे उठाना नहीं है, ठीक है, या बिल्कुल ऐसे ऊपर करके नहीं उठाना, सीधा एक मोशन में उठाना जिससे आपकी रनिंग मोशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखो, बिल्कुल हिप से उठाना है और देन पूरा स्ट्रेट करके आगे रखना है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टेपिंग के लिए। दूसरी हमारी एक्सरसाइज, बहुत बोलते हैं कि सर मेरा ये हिप टाइट रहता है और ये पूरा पोर्शन, इसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, इसके लिए इसी में, पर लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट के साथ क्या करना है, ये वाला मोशन करना है। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें ये नहीं करना कि यहां से ऐसे रखा ऐसे रखा, इससे इंजरी होगी और कुछ नहीं होने वाला। सही तरीका क्या है, लेग रखा, देन आपका जो दूसरा लेग है वो बिल्कुल इसके बिल्कुल पास से लेना, ताकि कोई लोड ना पड़े और हमारी स्टेपिंग भी सही से खुले और हमारे इन पे जो ये पोर्शन है ये भी मजबूत हो, ठीक है। बिल्कुल सही तरीका ये है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ओके। और अब ये एक्सरसाइज के बाद क्या होता है, हमारी काफ वगैरह बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है और इन्हें में काफी ज्यादा एक्सरसाइज भी है। पहले मेन एक्सरसाइज बता देता हूँ, आपके फैट है, फैट अगर आपके बहुत ज्यादा फैट है, आपको लगता है मेरे को फैट भी बर्न करना है, तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज है। और अगर आपको रनिंग में काफी ज्यादा जान डालनी है, पेट मजबूत करना है, तो उसके लिए सिंपली ये वाली एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी के लिए, ठीक है। इसी में ही तीसरी, ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको, हाँ एक चीज का ध्यान रखना, ये डेली फॉलो नहीं करना, ये वीक में 3 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन रखो सभी एक्सरसाइज को, और उस दिन रखना जिस दिन आपका रेपिटेशन वर्क हो, ना कि लॉन्ग रनिंग, ओके। अब और एक्सरसाइज पे बात करते हैं। अब थाई हैमस्ट्रिंग, इनमें क्या होता है, खिंचाव बहुत आता है रनिंग के समय, बहुत भर जाती है, इनके लिए कौन सी एक्सरसाइज है आपको तो करना है। यहाँ पे आपको पूरा इस तरीके से हैंड रखना है और आपको पूरा हाथों के सपोर्ट से और नी नहीं मोड़ना, ठीक है, सही तरीके से करो। देखो आप टेक पेन तो करना नहीं, हमें नी बिल्कुल इस तरीके से करना है टाइट, ठीक है, ऐसे बिल्कुल, और आपको इस तरीके से बॉडी डाउन करना है। इसी में ही हमारी एक और एक्सरसाइज है, क्या करना आपको, लेग इस तरीके से आगे बैंड करके, ताकि आपके जो एक लेग है उस पर सबसे ज्यादा सबसे पहले जोर पड़े और पूरा इस तरीके से डाउन करना है।
ठीक है, मेरे जो आगे वाला पैर है ना जिसका घुटना सीधा है इस पे लोड आ रहा है, ये बिल्कुल रिलैक्स है अभी, तो हम इससे ही दूसरा लेग चेंज करेंगे। ठीक है, अभी एक्सरसाइज तो हो गई, इन एक्सरसाइज के बाद भी बहुत सारी एक्सरसाइज आती है, एब्स एक्सरसाइज होगी, पुशअप्स हो गई, और आपकी जो ड्रिल्स वगैरह वो भी बहुत लोग करते हैं, करो, उसके बाद भी स्ट्रेचिंग आती है, पर इनसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग जरूर कर लेना उस पर, लेकिन वो लेग को मजबूत भी करेंगे, ठीक है, साथ साथ स्ट्रेचिंग के साथ। तो कौन सी है, सबसे पहले बात आपको ये पूरा इस तरीके से बॉडी को खींच के आपको पूरा पंजे पे वॉक करना है पूरा, अब एक और चीज बहुत बोलते हैं मेरा हिप टाइट रहता है सर, मैं जब रनिंग करता हूँ तो मतलब हिप नहीं चल पाता पूरा, मतलब पैर नहीं खुल पाते, मेरी स्टेपिंग तो ठीक है, मैं अगर ये वाले एक्सरसाइज करता हूँ मेरे स्टेप तो अच्छे खुल जाते हैं, पर रनिंग करते वक्त हिप नहीं चलते, तो उसके लिए एक्सरसाइज कर लो, आपको क्या करना है पूरा 1 2 3 ठीक है, मैं अभी इसे पूरा अच्छे तरीके से करके दिखाऊँ, पहले देख लो 1 ठीक है, आपका जो इस साइड लेग है 1 2 3 अब ठीक है, अब मोशन में दिखाता हूँ पूरा 1 2 3 1 2 3 ठीक है, दोनों साइड, और जब आप ये करने लग जाओ, जब आप इसको पूरा कर लो, तो इसको पूरा करने के बाद क्या करना है, मतलब जब आप ये स्टेपिंग सीखते हो नॉर्मली, तो आपको क्या करना है पूरा पैर उठा के करना है, जिससे आपके हिप पे और ज्यादा लोड आए ऐसे, ठीक है, ये एक्सरसाइज करने के बाद ध्यान रखना स्ट्रेचिंग कूल डाउन रिलैक्सेशन बिल्कुल मत छोड़ना, करना जरूर है, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो डाला हुआ है, आराम से देख लो, चैनल पे सब मिल जाएगा, ट्रेनिंग हमारे चैनल पे होती है, व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा होगा, ट्रेनिंग ले लो, अगर तुम्हारे रनिंग में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तुम्हारे पास कोई कोच नहीं है सिखाने के लिए अच्छा सा, ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना, अगर इन एक्सरसाइज के बाद अगर तुमने स्ट्रेचिंग नहीं करी, कूल डाउन नहीं करा, रिलैक्सेशन नहीं करा, तो इन एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है, बाद में बस पेन होने वाला और कुछ नहीं, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।